वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टर्ट, द सागा कंटिन्यूज। ये चैप्टर बच्चों को बोरिंग लगता है क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करते कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, डिस्कवरिंग का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना। टर्ट यहाँ पे एक इंसान का नाम है जो कि राजा था इजिप्ट का, और उसकी मौत हो गई थी बहुत ही छोटी एज में। सागा का मतलब होता है कहानी, यानी कि इसकी मौत के बाद भी इसकी कहानी कंटिन्यू रहती है। क्यों रहती है, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊं, उससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो ये टट था, यानी कि ये जो किंग था, इसकी बहुत छोटी जब एज में डेथ हो गई थी तो उसे मम्मी बना दिया गया था। मम्मी क्या होता है, पुराने टाइम में इजिप्ट में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, जब वो मर जाते थे तो उन्हें मम्मी यानी मसालों के मैं लपेट के इस तरह से रखते थे, ताकि उनकी जो डेड बॉडी है मरने के बाद भी सेफ रहे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके मरने के बहुत सारे साल बाद उनकी मम्मी को उनके ताबूत में से निकाला और उसे किसके लिए भेजा, सीटी स्कैन के लिए, ताकि पता चले कि इनकी मौत कितने साल पहले हुई थी, किन कारणों से हुई थी। वो सब चीज अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ही वॉज जस्ट अ टीनएजर व्हेन ही डाइड। जब ये जो राजा था, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, जिसके हम स्टोरी पढ़ रहे हैं डिस्कवरिंग टट, जब ये मरा तो ये एक टीनेजर था। टीनेजर कौन होते हैं, छोटे बच्चे, जो 13 साल से लेके 19 साल तक के बीच के बच्चों को कहा जाता है टीनेजर। द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। एयर मींस भाई, अगर कोई राजा है, राजा का जो बेटा है वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, आगे चल के राजा वही बनेगा। तो इसकी जो फैमिली थी इस राजा की, न जाने कितने सालों से इजिप्ट पे राज कर रही थी, ये उनका आखिरी उत्तराधिकारी था, ठीक है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। रेस्ट लेडन का मतलब है लोडेड विद। जब उसे दफनाया गया उसकी कब्र में, तो उसे बहुत सारे गोल्ड के साथ, धन दौलत के साथ उसे दबाया गया, क्योंकि इजिप्ट में लोगों का यह मानना था कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है। अगर हम मरने के बाद भी अपनी धन दौलत अपनी कब्र में रखेंगे या रख दिया जाएगा, तो ये आगे वाली लाइफ में काम आएगी। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। जब से इसकी टूम का मतलब है इसकी कब्र की खोज हुई है 1922 में, तब से मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है इस संसार ने, स्पेक्युलेटेड का मतलब है ये अनुमान लगाया है कि इस राजा की मोस्ट प्रोबेबली हत्या करी गई होगी, मतलब इसका मर्डर किया गया होगा। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो अब आपको पता है कि जो मेडिकल साइंस है, फॉरेंसिक लैब है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो पता कर लेती है किसके साथ क्या हुआ था। तो अब 80 साल बाद दोबारा से उसकी जो मम्मी है, जो उसकी जो लाश है, उसको निकाला गया है किसके लिए, सीटी स्कैन में डालने के लिए, ताकि ये पता चल पाए कि आखिर ये मौत कब हुई थी, कैसे हुई थी, और लेटेस्ट जानकारी पता चले। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरो। अब एक वर्ड आया फॉरेंसिक, आपने CID देखा होगा, है ना, तो वो कहता है कि इसको लाश को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजो, मतलब एक मेडिकल जांच के लिए भेजो, ताकि जब ये सीटी स्कैन होगा उसके बाद ये जो डेथ हुई थी इस राजा की, पता चल सके क्या कारण थे, कितनी किस टाइम पे ये डेथ हुई थी। बॉयज फैरो, बॉयज का मतलब क्योंकि लड़का टीनेज में ही डेथ हो गई थी, और फैरो का मतलब है इजिप्ट में जो रूलर होते हैं, ठीक है, उनको लिए कहा जाता है फैरो। आगे बढ़ते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as Valley of the Kings. जब राजा को, यानी कि इसको, टट को, उसकी कब्र से निकाला जा रहा था, तभी क्या होने लगा, ghostly dust devils as kings, जो हवाएं हैं, तूफान है, चलने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे भूत आके इकट्ठा हो गए हो, और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो कि राजा को क्यों निकाला जा रहा है उसकी कब्र में से। इजिप्शियन सिमेट्री का मतलब है कब्र।
नोन फ्रॉम द वैली ऑफ द किंग्स. वैली ऑफ द किंग्स क्या है, एक जगह है इजिप्ट के अंदर जहां पे पुराने राजा महाराजाओं की क्या है, कब्र है. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैज स्कटेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट. तो ये बता रहे हैं जब जिस दिन उनका सीटी स्कैन होना था टट का, मम्मी को जब निकाला गया, काले काले बादल आने लगे और उन काले बादलों ने सारे तारों को ढक लिया. मतलब जो मौसम है, जो माहौल है, एकदम कैसा बना दिया, डरावना. एट 6 PM ऑन 5th January 2005, और ये घटना किस दिन की है, 5 जनवरी 2005 की है, 6 बज रहे थे शाम के. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. और क्या होना था, जो ये जो मम्मी थी, ये जो राजा की जो लाश थी, इसका CT scan होना था, first head first, ठीक है. जब भी CT scan होता है तो सबसे पहले जो मशीन है, मशीन के अंदर सिर डाला जाता है टू प्रॉब. प्रॉब का मतलब है जानकारी लेने के लिए, ताकि उससे रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज है, जो भी रहस्य है, ठीक है, ये पता चल सके कि 3300 साल पहले इसके साथ क्या हुआ था. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टॉम टू सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट. जिस दिन वो सीटी स्कैन होना था, किसका, किंग टट का, उस दिन टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से उस जगह पे डिसेंडेड मतलब आ गए थे, ठीक है. रॉक कट टूम, रॉक कट टूम का मतलब है एक बड़े से रॉक को काट के टूम बनाया गया था, कब्र बनाई गई थी, जो कि जमीन से 26 फीट नीचे थी. अपने अपने रेस्पेक्ट पे करने, मतलब अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने, देखने. दे गेज्ड द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber and peered at Tut's guided face. Gaze का मतलब होता है देखना, murals का मतलब होता है वहां जो arts और painting बनी हुई थी, उस जमीन के अंदर जो कमरा बना हुआ था जहां पे उसे दबाया गया था, कब्र थी उसकी, ठीक है, burial chamber में. और वो किसको देख रहे थे, Tut के guided face को. अब guided का मतलब क्या होता है, जो Tut की जो वो थी, जो मम्मी थी, उसका जो coffin था, जो ताबूत था, उसके ऊपर भी एक इंसान का सा चेहरा बना हुआ था कवर पे, और उस पे सोने की परत चढ़ी हुई थी. गिल्डेड का मतलब है सोने की परत. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. और इस मम्मी का जो सबसे अलग और सबसे ज्यादा मतलब निराला फीचर था, वो था इसका लिड, इसका जो ढक्कन था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. कुछ जो लोग आए हुए थे वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे. विस्पर का मतलब है धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे. अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े थे. परहैप्स पॉन्डरिंग टर्ट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. कुछ लोग इसकी बातें कर रहे थे कि बेचारा किस तरह से बहुत ही छोटी एज में मारा गया था टट, और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फैरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बड हिम was really true. और कुछ लोग ये सोच के डर रहे थे कि उन लोगों ने कहानियां सुनी थी, जो भी टट की बॉडी को टच करता है, उसके कॉफिन को टच करता है, उसे डिस्टर्ब करता है, उसे फैरो जो है, फैरो कौन है, ये राजा, कर्स, श्राप दे देती है उसकी आत्मा, है ना, या तो वो मर जाता है या उसे बुरी किस्मत मिलती है. तो क्या ये सच है या नहीं है, इसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब इस वाली लाइन को ध्यान से समझना, क्योंकि उस दिन उस बॉडी का सीटी स्कैन होना था, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मेडिकल टीम आई हुई थी. तो वहां पे जो उनका अफसर था जिसका नाम था जाही हवास, उसने कहा जो मम्मी की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि 1920 में भी इसकी मम्मी को खोला गया था. देखो चिल्ड्रन, याद रखना, दूसरी बार इस मम्मी की तहकीकात हो रही है, 1920 में खोला गया था, और उस टाइम पे इसे खोला था कार्टर ने, ठीक है. तो वो कह रहा है क्योंकि कार्टर ने इसे ठीक से नहीं खोला, ठीक से नहीं देखा, ठीक है, उस वजह से मम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है. कार्टर कौन था,
हावर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड द टच टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। 1922 में हावर्ड कार्टर ने, जो कि ब्रिटिश का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पत्थर और जो जमीन में दबी हुई चीजों की अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसने इसे ढूंढा था और इसकी स्टडी की थी 1920 में। Its content, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. ये बात अलग है कि इस ममी को यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जो चीजें इसके साथ दबाई गई थी वो सब पूरी हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। They remain the richest royal collection ever found and have become a part of Pharaoh's legend. और आज की डेट में जितने भी कलेक्शन मिले हैं राजा महाराजाओं के, ये उनसे सबसे बड़ा कलेक्शन है, हीरे मोती जवाहरात मतलब धन दौलत का, जिसकी वजह से फेरो का मतलब यही जो राजा है, इसकी जो कहानी है, इसकी लेजेंड और आगे बढ़ती है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीजें, इतना स्टंट करने वाला, जैसा होता नहीं हम किसी चीज को देखते हैं एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, इतना सारा सोना, इतनी सारी चीजें, उसे देख के ऐसा लगता है कि आज भी ये चीजें जिंदा हैं, जीवित हैं, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और ऐसा लग रहा है ये ही चीजें पूरा का पूरा हमारा ध्यान खींच रही है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट आफ्टर लाइफ। देखो, लेकिन टट को ना केवल खजाने के साथ बल्कि ऐसी चीजों के साथ जिनकी रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत होती है उनके साथ दबाया गया था, क्योंकि इजिप्शियन ये बिलीव करते थे कि लाइफ के बाद भी, मरने के बाद भी एक लाइफ होती है। तो उसके साथ खजाने के साथ साथ क्या क्या दबाया गया था, बोर्ड गेम्स, खेलने वाली चीजें, ब्रॉन्ज रेजर, रेजर, लिनन के अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, खाना और वाइन, ये सब भी उसके साथ दबाए गए थे। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands. तो काफी सारे महीनों तक जो कब्र के अंदर जो ट्रेजर मिला था, ट्रेजर का मतलब है सोना चांदी जवाहरात, खजाना जो मिला, उसको उसकी रिकॉर्ड करने के बाद के ये मिला। कार्टर ने क्या किया, उसके बाद जो कॉफिन था, जो मेन ताबूत था जिसके अंदर उसकी लाश थी, किसके अंदर, किसकी, टट की, उसे खोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ही फाउंड द श्राउड। श्राउड क्या होता है, डेड बॉडी के ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया जाता है, कफन बोलते हैं, वो मिला श्राउड, जिसके ऊपर गार्लेंड्स यानी माला थी, किसकी बनी हुई, विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। तो ये वाले जो फूल पत्तियां हैं जो अक्सर मार्च और अप्रैल में मिलते हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि जब ये कब्र में दबाया गया होगा इसे, उस टाइम मार्च का महीना या अप्रैल का महीना रहा होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into a trouble, और जब फाइनली वो मम्मी, मम्मी का मतलब है वो डेड बॉडी के पास पहुंचा कॉफिन के अंदर, तो वो एक परेशानी में आ गया कार्टर। क्या परेशानी थी, द रिचुअल रेजिंस हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट to the bottom of a solid coffin. Ritual resin का मतलब है वो चीज जिससे बॉडी को चिपकाया गया था, क्योंकि जब मम्मी बनाया जाता था, मतलब डेड बॉडी को मसाले, लेप वगैरह लगाया जाता था, तो उसमें कुछ चिपकाने वाली चीज लगाई जाती थी, वो इतना टफ हो चुका था, मतलब इतने टाइम के बाद सीमेंट की तरह, कि जो बॉडी है वो कॉफिन से चिपक गई थी, ताबूत से चिपक गई थी, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? तो कार्टर ने बाद में बताया, ना जाने हमने खूब फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा ताकत लगाई, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकली, वो ताबूत से चिपक गई थी, हम क्या करते। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. अब हमें पता है कि जो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से चीजें पिघलने लगती है ना, तो कार्टर ने सोचा इजिप्ट में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उसने क्या किया, इस धूप का यूज किया कि इस धूप की वजह से ये जो रेजिन है, जो चिपकानी वाली चीज है, ये पिघल जाएगी और बॉडी बाहर आ जाएगी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक क्या हुआ, फॉर सेवरल आवर्स
He set the mummy outside in blazing sunshine that heated to 149 degrees Fahrenheit. उसने कई घंटों तक बॉडी को उसके ताबूत के साथ कहां रख दिया, धूप में रख दिया, चिलचिलाती धूप में, जहां पे 149 डिग्री का फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था. नथिंग बस, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटेचमेंट दैट कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. कार्टर ने बाद में बताया कि हमें फाइनली उसे हटाने के लिए अब उसे चीजल क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी यूज करना पड़ा. उसके यूज से ही वो बाहर निकल सकता था क्योंकि वो सख्त हो गया था, बहुत ज्यादा जम गया था. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस. इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. बाद में जो कार्टर है उसने अपनी सफाई में ये कहा कि अगर मैं उस बॉडी को ना निकालता, चीजल से ना निकलवाता, तो क्योंकि लोगों को पता चल चुका था यहाँ पर टटकी मम्मी है, इतना सारा सोना चांदी ये सब है, तो वो क्या करते, जो गार्ड्स थे उन्हें चकमा दे देते और जितना भी सोना वगैरह है वो सब लूट के भाग जाते. इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, दे थॉट और होप दे कुड मेक देयर रिचेस विद देम. टट के टाइम पे, राजा टट के टाइम पे जो इजिप्शियन थे उनका ये विश्वास था कि वो एक तो वो बहुत ज्यादा रिच थे, अमीर थे, और उनका ये विश्वास था कि वो अपने इस अमीरियत को, है ना, अपने इस धन दौलत को आफ्टर लाइफ भी यूज कर सकते हैं. फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग, एम्यूलेट, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल फॉर प्योर गोल्ड. अब देखो, अब तक जो सामान निकल के आ रहा था, बाहर से निकल के आ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा कीमती था, वो भी बहुत ज्यादा महंगा था, ठीक है, गोल्ड वगैरह था. लेकिन अब जो फाइनली जो फाइनल कॉफिन से निकल के आ रहा है, उसमें क्या क्या निकल के आ रहे हैं, कॉलर्स निकल के आ रहे हैं, नेकलेस मतलब महंगे महंगे जो ज्वेलरी है वो निकल के आ रही है, हाथों में पहनने वाले ब्रेसलेट निकल के आ रहे हैं सोने के, बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स, एमुलेट्स, ताबीज निकल के आ रहे हैं, एप्रिन का मतलब होता है कवच जो राजा महाराजा पहनते हैं, सैंडल्स निकल के आ रहे हैं, शीट्स मतलब एक कवर बॉडी को कवर करने के लिए और पैरों में पहनने के लिए, हर तरफ पहनने के लिए जो चीजें निकल के आ रही हैं, और वो सारी चीजें पूरी तरह से सोने की है, गोल्ड की. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मी हेड एंड सीवियर नियरली एवरी जॉइंट. जो कार्टर की जो टीम थी, तो उसे सेपरेट करने के लिए उसके जो एडोरमेंट्स का मतलब है, वो जो उसने सोना चांदी वो सब पहना हुआ था, रखा हुआ था उसके साथ, कार्टर की टीम को कार्टर का सिर अलग करना पड़ा, मतलब मम्मी का, ठीक है, और जो मेजर जॉइंट थे वो भी अलग करने पड़े. दे हैड फिनिश्ड, वंस दे हैड फिनिश्ड, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड्स वेयर टट्स नाउ रेस्ट. और जब उन्होंने अपनी पूरी मतलब जो जांच पूरी कर ली, कार्टर ने और कार्टर की टीम में, ये पुरानी बात चल रही है, तब उन्होंने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, उसे एक वुडन बॉक्स में रख दिया सैंड में, ठीक है. और आज जब इन्होंने 2005 में ये निकाली है, तो ये उस वाली फॉर्म में निकली. तो चिल्ड्रन, अगर आप लोग इस स्टोरी को पढ़ रहे हो ध्यान से, तो ध्यान रखना ये दूसरी बार बॉडी को निकाला जा रहा है उसके कॉफिन से. पहली बार किसने निकाला था, कार्टर ने. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. Archaeology क्या है? एक ऐसा sector जो कि जमीन के नीचे दबे हुए खजाने, जमीन के नीचे हुए जो कंकाल वगैरह मिलते हैं उनकी study करता है. तो ये बता रहा है line कि archaeology तब से लेके और अब तक, मतलब Carter वाले time से लेके और इस वाले time तक बहुत बदल चुकी है. पहले archaeology department focus करता था ज्यादा खजाने पे, है ना, treasure पे, लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ज्यादातर फोकस करता है कि क्या मिस्ट्रीज रही होंगी, डेथ कैसे रही होगी, उस टाइम का जीवन कैसा रहा होगा. इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और क्योंकि इस बात को पुरानी बात को बात हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, आज बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज करती है आज के टाइम पे. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing.
अब कार्टर ने जो अपनी इंस्पेक्शन की थी उसके 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे किया था इस मम्मी का दोबारा से, और उन्होंने एक अजीब सी बात बताई कि एक्सरे करने के बाद बॉडी के सारे पार्ट्स हैं लेकिन जो मम्मी की जो ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट रिब्स हैं वो मिसिंग यानी गायब है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। आज की डेट में हमारे पास कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन है जो किसी भी बॉडी को हंड्रेड्स पार्ट्स में डिवाइड करके उनका एक्सरे क्रॉस सेक्शन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी बॉडी को किसी भी इमेज को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, किसकी मदद से, सीटी स्कैन की मदद से। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। एक्सरे से ज्यादा जो टट की जो बॉडी है एक्सरे से ज्यादा क्या पता चलेगा हमें, मतलब जो कुछ जो माइन्यूट डिटेल है वो हमें एक्सरे की वजह से पता चल जाएगा। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। लेकिन क्या हमें इन चीजों से ये पता चल पाएगा, उन दो सवालों का जो आज भी जहन में आते हैं, कि वो कैसे मरा था और जब वो मरा तो उसकी एज क्या थी। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाई द रॉयल स्टैंडर्ड। जहां तक कि जो पुराने राजा महाराजा थे उनके लिए भी जब किंग टट डिमाइस का मतलब है मरे तो ये बहुत बड़ी बात थी। He was the last of his family's line and his funeral was the death of the rattle of his a dynasty. वो अपनी family में last थे और उनकी मौत से उनकी जो dynasty है, उनका जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि उनके बाद अब कोई भी descendant नहीं था, वंशज। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन अभी तक ये वाली बात clear नहीं है कि उनकी मौत किस तरह से हुई, क्या क्या वो कारण रहे। अब ये हमें हिस्ट्री में ले जाएंगे। एमनहोटप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल फैरो हु रूल्ड ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज। जो एमनहोटप थर्ड थे या तो वो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, उन्होंने लगभग 40 सालों तक राज किया था, ठीक है, जिस कौन सी एज में, गोल्डन एज में, वो भी बहुत पावरफुल किंग थे। उनका जो बेटा था इनका एमनहोटप 3 का, Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history ancient Egypt. तो इनका जो बेटा आया Amenhotep IV, उसने एक अलग ही तरह से strange way से rule किया। क्या किया उसने? The new pharaoh promoted the worship of Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten or servant of Aten. जो नया राजा आया उसने क्या किया? उसने कहा कि सब लोग पूजा करो किसकी? Aten की, जो sun disk है उसकी। और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया और उसने अपना नाम क्या रख लिया? आखेनातन, ठीक है, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एटन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स। तो पुरानी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? थेब्स में थी। उसने अब नई राजधानी बना दी, नई कैपिटल बना दी, जिसका नाम रख दिया आखेतन और जिसे आज की डेट में कहा जाता है अमरनाथ। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड, smashing his images and closing his temples. यहाँ तक कि उसने और क्या खराब काम किए, surprising काम किए, जो पुराने जो देवता थे आमून, जिसकी वहाँ पे पूजा होती थी, उसने उनकी पूजा बंद करवा दी, उनके जो मंदिर थे वो सब तोड़वा दिए, उनकी जो प्रतिमाएं थी वो तोड़वा दी। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. जो जॉनसन है, रे जॉनसन है, जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी शिकागो के रिसर्च सेंटर के, वो कहते हैं कि ये बड़ा ही डरावना टाइम रहा होगा जब उसने ये काम करवाया। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनातन वेंट अ लिटिल वैकी। जब ये जो साम्राज्य है ये खत्म होने वाला था, जिसकी मतलब एक राजा के बाद दूसरा राजा, दूसरे के बाद तीसरा राजा जो चले आ रहे थे, जब ये खत्म होने वाले थे उसी टाइम पर उनका एक राजा बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगा था, आखेनातन। आफ्टर आखेनातन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सिमीन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। उसके बाद, उसकी मौत के बाद, एक और रूलर आया इन्हीं की फैमिली से जिसका नाम था समीन खारे,
लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा और उसका भी पता नहीं चला, वो भी कहाँ गायब हो गया। एंड देन अ वेरी यंग तूतन खातेन, यानी कि जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, टट टुक द थ्रोन, तब ये गद्दी पे आए। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, और उन्हें आज की डेट में जाना जाता है किंग टट के नाम से। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतन खामून, और उसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया, तूतन खामून, लिविंग इमेज ऑफ आमून। यानी कि अगर आपको याद हो, जो एमनटॉप जो फोर था, उसने आमून की पूजा बंद करवा दी थी, इसने आमून की पूजा शुरू करवा दी। एंड ओवर सॉ अ रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इसने जो पुराने तरीके हैं वो ही दोबारा वापस ला दिए। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और इस छोटे से बच्चे ने जो राज किया लगभग 9 सालों तक, और फिर ये भी अचानक से मर गए जिसका पता नहीं है आज भी। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज। ये तो सब जानते हैं कि कितनी फेम थी किसकी, कितने ये ज्यादा फेमस थे, कौन, किंग टट। और स्पेक्यूलेशन का मतलब है अंदाजा लगाया जाता है उनकी किस्मत के बारे में कि वो कैसे मरे होंगे। आज तक ये नहीं पता किसी को इजिप्ट में कितनी ममीज हैं, ठीक है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 और सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। जो प्रोजेक्ट जो इजिप्ट इजिप्ट में चल रहा है ममी प्रोजेक्ट, उसने अब तक 600 ममीज काउंट कर ली हैं और अभी भी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अब क्योंकि जो भी ये मम्मी मिल रही है उसकी स्कैनिंग हो रही है, तो इस टीम को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ने, जो कि सीटी स्कैन मशीन बनाती है, एक पोर्टेबल मशीन सीटी स्कैन मशीन डोनेट की है, फ्री में दी है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन, और सबसे पहले जो मम्मी स्कैन हुई है वो हुई है किंग टट की, इसकी जिसकी हम स्टोरी, इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। यानी कि ये लाइन कह रही है कि जब वो जिंदा था तब भी वो अपने कंट्री मैन से आगे था क्योंकि उसने अच्छे अच्छे काम किए, और आज मरने के बाद भी उसकी जो मम्मी है उसका जो स्कैन है सबसे पहला स्कैन उसका होगा, आज भी वो आगे है। अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू डू क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। टट्स हैड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। अब क्या बता रहा है, जो सीटी मशीन है उसकी वजह से सिर से लेके पैरों तक पूरा एक एक्सरे होगा जिसमें बॉडी को 1700, ठीक है, 1700 पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक छोटे छोटे ऑर्गन की सारी की एरी डिटेल का मतलब है बारीक से बारीक डिटेल ली जा रही है, ली गई है। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स That the winged goddess of gilded burial shrine protected for so long। अब आप ये सोचो कि सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जो 3300 साल पहले मरा था, आज भी उसकी बॉडी, उसकी लाश, मतलब एज इट इज रखी है, तो जो टीम है रेडियोलॉजी की, फॉरेंसिक की, एनाटॉमी की, वो आज भी ये जांच कर रही है कि उस टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या चीजें ऐसी रही होंगी, या इन लोगों का विश्वास था विंग गुडेस, मतलब ये एक मानते थे इजिप्शियन कि एक देवी होती है, ठीक है, जिनके पंख होते हैं, वो जो डेड बॉडी की रक्षा करती है, मतलब इंसान के मरने के बाद भी किस तरह से उन्होंने अब तक इस बॉडी को बचाए रखा। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। जिस रात में स्कैन होना था किसका, टट का, जो काम करने वाली टीम थी वो उसे टोम से उठा के उसके बॉक्स से ले गए। लाइक पॉल बेर दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड फ्लाइट ऑफ अ स्टेयर्स इनटू अ स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। अब क्योंकि जो स्कैनर मशीन है उसके पैर तो है नहीं, वो लाई गई थी एक हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर रख के, तो अब जहां पे स्कैनर होगा, जहां पे मशीन होगी, वहीं पे तो ले जाया जाएगा बॉडी को। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पॉल बेरर, मतलब जब एक अर्थी जाती है मुर्दे आदमी को तो चार आदमी उसे उठा के ले जाते हैं, उसी तरह से उसे उसकी बॉडी को उठा के ले जाया जा रहा था। क्लाइम्ड ऑन अ रैंप एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू अ स्वर्लिंग स्टैंड आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ क्या था, एक हाइड्रोलिक ट्रेलर था
हाइड्रोलिक मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मतलब इमेज में है ना, ऊपर की तरफ जो मशीन उठ जाती है। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस। तो हमने क्या देखा, 20 मिनट के बाद ही दो लोग भागते हुए आए और ऑफिस में घुसे, और वो वहां से क्या लेके आए, दो प्लास्टिक के पंखे लेके आए। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन, कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। तो वो जो मिलियन डॉलर का जो स्कैनर था, सीटी स्कैनर था, वो काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो कूलर फैन था उसमें मिट्टी चली गई थी। तो अभी वहां पे जो एक गार्ड खड़ा था उसने मजाक करते हुए कहा कि जो फैरो है यानी कि ये जो बॉडी है इसने श्राप दे दिया है क्योंकि हमने इसे डिस्टर्ब किया, इसकी नींद से कब्र को दोबारा खोदा है। तो वो ऐसे मजाक करता है कि देखो उसकी वजह से ये भी खराब होगा। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क्ड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। पर जो सब्स्टिट्यूट फैन जो लाए गए थे, दो पंखे, उन्होंने काम किया और पूरा का प्रोसीजर हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, The technician turned that over the workman who carried him back to his tool. जब उसका पूरा सीटी स्कैन हो गया, देख लिया कि सारा हमें डेटा मिल गया, उसके बाद उन्हीं लोगों ने जो लोग उसे लाए थे उसकी कब्र से निकाल के वापस से उसकी कब्र में रख दिया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. 3 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसीजर हो गया और जिस तरह से उसे लाया गया था वहीं पे उसे दोबारा रख दिया गया। जिस तरह से जब वो मौत हुई होगी उसकी, तो जो प्रीस्ट था, जो पुजारी वगैरह ने जो पूजा वगैरह की होगी उस टाइम पे, दोबारा से उसे वहीं पे सुला दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ दैट कंप्यूटर स्क्रीन, क्योंकि अब पूरा उसका सीटी स्कैन कंप्लीट हो गया है तो जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसकी सॉफ्ट कॉपीज आ चुकी है वो देखे जा रही है। A grey head took shape from scattering of pixels and a technician spun and tilted it in every direction. ठीक है, तो जो उन्होंने फोटोज ली हैं वो 3D मतलब हर तरह से, क्योंकि कोई भी फोटो नहीं छोड़ा कहीं से भी, तो वो हर चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. जो लोग डॉक्टर बनते हैं तो उन्हें एनाटॉमी क्लास में जो डेड बॉडी का मतलब पूरा स्कैन सिखाया जाता है, कहाँ पे कौन सी रिब होती है, कौन सी हड्डी होती है, तो वो बता रहे हैं कि जो वर्टिब्रे है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है फोटोज में। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, उनके हाथ दिखाई दे रहा है, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज है ना, ट्रांजेक्शन ऑफ स्कल, खोपड़ी, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। ठीक है, सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवाज स्माइल्ड विजिबली रिलीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। तो जाही हवाज कौन है, इस पूरे घटनाक्रम के मतलब लीडर हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सोया, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया क्योंकि अब सारा काम हो चुका है, अब मैं जाऊंगा और अब मैं सोऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। और जैसे ही हमने ट्रेलर को गया मतलब पूरा सारा काम हो गया, जो टट है टट की बॉडी को वापस वहां रख दिया गया, जो हवा जो चल रही थी आपको याद होगा जैसे वो खुदाई शुरू हुई थी वो हवा चलना शुरू हो गई थी, वो अचानक से बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन इट्स वैली ऑफ द डिपार्टेड। तो ये जो वैली है यहाँ पे जो मरे हुए राजा महाराजा उनको दबाया हुआ है, तो यहाँ की जो हवा है वो उस हवा में ही एक ऐसा एहसास है जैसे कि मरे हुए लोगों की हवा है, ठंडी ठंडी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy queen. Just above the entrance, जैसे ही आप Tut की tomb में घुसते हो, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक constellation बना हुआ है, तारों का समूह बना हुआ है, क्योंकि जो Egyptian लोग थे, उनका ये विश्वास था कि जो Osiris है, वो एक भगवान है, ठीक है? The god of the afterlife, यानी कि जब आप मर जाते हो उसके बाद भी आपकी बॉडी को रक्षा करते हैं, आपको डिफेंड करते हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। वो जो कट है क्योंकि वो एक टीन एज में ही मर गया था तो वो उसकी आज भी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन ये चैप्टर हो जाता है खत्म। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। वेलकम।